हेलो एंड वेलकम टू द सोशल इंडियन। आई एम आदित्य यादव और आज हम आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो लाए हैं थेफ्ट के ऊपर। चोरी आपके जीवन में सबके साथ हुई होगी, देखी होगी, नहीं हुई होगी तो भगवान बचाए, लेकिन उसके प्रोविजंस के बारे में आज हम एक डिटेल्ड वीडियो लाए हैं। इसको हम 2-3 पार्ट्स में डालेंगे आप लोगों के लिए और कोशिश करेंगे कि इस बार ये वीडियो आप जब देख लेंगे तो उसके बाद थेफ्ट का कोई भी क्वेश्चन आप गलत अटेम्प्ट नहीं करेंगे। चाहे वो आपको जुडिशियरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, लेकिन एक चीज हम आपको अश्योर कर सकते हैं कि इस वीडियो के बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो 3 या 4 किताबों से कंपाइल की गई है। और थैंक्स टू माई फ्रेंड उमंग अग्रवाल, जिन्होंने वीडियो हमें यहाँ पर प्रोड्यूस करके दी है, उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और हम आपसे चाहेंगे कि आप इस वीडियो पर हमें कमेंट कर जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और किन किन टॉपिक्स पर आप ऐसी वीडियो चाहेंगे, कंप्लीट डिटेल वीडियो। तो लेट्स बिगिन। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इसका नाम है थेफ्ट। हर किसी पर्सन की लाइफ में एक ना एक बार चोरी होती ही है। आप जानते भी होंगे, आप सुनते भी होंगे कि उसका पर्स चोरी हो गया, उसकी घड़ी चोरी हो गई, उसके पैसे चोरी हो गए। ठीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सारे एंगल को जानेंगे कि कब थेफ्ट होता है, कौन सी प्रॉपर्टी को लेकर थेफ्ट माना जाता है, कब कोई एक थेफ्ट कहलाया जाएगा, कितना इंक्रीजमेंट या कितनी सजा थेफ्ट के केस में मिलेगी। सारे एंगल्स को हम बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बेरेक्ट से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 378, हुएवर यानी कोई भी पर्सन जिसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर, जो किसी और पर्सन की पोजीशन में है और वो उसे लेकर जाना चाहता है बिना उस पर्सन के कंसेंट के, और उस लेकर जाने चाहने के लिए वो उस प्रॉपर्टी को मूव भी कर देता है, इसको हम थेफ्ट कहते हैं। ओके, तो अब थेफ्ट की अगर हम बात करें तो एसेंशियल एलिमेंट का मैंसरिया क्या हो गया? मैंसरिया हो गया डिसऑनेस्ट इंटेंशन। ठीक है, और जो एक्टा सीरियस है वो क्या है? मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस यही तो होगा अगर आप थेफ्ट करोगे तो। ओके, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जो उसकी इंटेंशन है थेफ्ट में वो क्या है? डिसऑनेस्ट है। ठीक है, जो ऊपर वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है यहां पर? डिसऑनेस्टली। तो अब ये डिसऑनेस्टली होता क्या है? ठीक है, तो ये डिसऑनेस्टली सेक्शन 24 में डिफाइन कर रखा है। सेक्शन 24 कहता है, कोई भी पर्सन जो किसी चीज को इस इंटेंशन के साथ करता है जिससे एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन हो जाए या दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस हो जाए, इस चीज को हम डिसऑनेस्टली कहते हैं। यानी एक पर्सन को किसी गलत तरीके से फायदा पहुंच जाए या फिर दूसरे पर्सन को किसी गलत तरीके से नुकसान पहुंच जाए, इसी को हम डिसऑनेस्टली कहते हैं। अब एक चीज तो ध्यान देने वाली बात है यहां पर, ये कि यहां पर जो सेंटेंस के बीच में और वर्ड यूज कर रखा है, इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, और ना कि एंड नहीं यूज कर रखा। इसका मतलब ये है कि एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन हो और दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल गेन हो, ये साइमल्टेनियसली होने की जरूरत नहीं है। यानी ऐसा नहीं होगा कि पहले एक बंदे को रॉन्गफुल गेन हो और दूसरे बंदे को रॉन्गफुल लॉस हो, तभी ये हम डिसऑनेस्टली कहेंगे। सिर्फ अगर एक पर्सन को भी रॉन्गफुल गेन हो गया तो अभी अपने आप में डिसऑनेस्ट है, सिर्फ अगर एक पर्सन को भी अगर रॉन्गफुल लॉस हो गया तो अभी अपने आप में डिसऑनेस्टली है। ठीक है, इसलिए यहां पर इन्होंने और यूज कर रखा है बजाय एंड के। तो ये डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन है। अभी आपको क्या करना है, बस मेरे साथ साथ इन चीजों को देखते रहना है कि मैं क्या बोल रहा हूं और ये चीजें क्या कहना चाह रही है। ठीक है, इसमें अभी ज्यादा जाने की या ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अभी हम धीरे धीरे सारे, जब हम एस्पेक्ट को कवर करेंगे, बेरेक को तोड़ तोड़ के, इसके सेक्शन को एग्जॉस्टिवली जब कवर करेंगे, तब सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। अब आगे चलते हैं। अभी हमने पढ़ा, या तो किसी पर्सन को रॉन्गफुल लॉस हो रहा हो या किसी पर्सन को रॉन्गफुल गेन हो रहा हो, तो उसको हम डिसऑनेस्टली कहते हैं। अब ये रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस क्या होता है, अब इसके बारे में समझेंगे। रॉन्गफुल गेन का मतलब होता है गलत तरीके से प्रॉपर्टी का फायदा, और जिस बंदे को फायदा हो रहा है वो उसके लिए लीगली एंटाइटल नहीं है। ठीक, अब रॉन्गफुल लॉस क्या होता है? नुकसान, गलत तरीके से प्रॉपर्टी का नुकसान, और जिस बंदे को वो प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है उसके लिए वो लीगली एंटाइटल है। तो थोड़ा सा डिफरेंस अगर मैं आपको यहां समझाऊं, रॉन्गफुल गेन की अगर आप पूरी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो गेन फायदा,
अनलॉफुल तरीके से, गलत तरीके से किसी भी प्रॉपर्टी का, और जिस पर्सन को गेन हो रहा है वो उसके लिए लीगली एंटाइटल नहीं है, ठीक है। और जबकि रॉन्गफुल लॉस में लॉस नुकसान हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है, प्रॉपर्टी का हो रहा है, और जिस बंदे को वो नुकसान हो रहा है वो उसके लिए लीगली एंटाइटल है, यानी जो प्रॉपर्टी उससे ली जा रही है, जो प्रॉपर्टी का उसको नुकसान हो रहा है उसके लिए वो लीगली एंटाइटल है। ओके, अब गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली इसका क्या मतलब है? एक पर्सन को हम कहेंगे कि उसने रॉन्गफुली गेन कर लिया है जब उस पर्सन ने किसी चीज को, किसी प्रॉपर्टी को या तो रिटेन करके रखा हुआ है रॉन्गफुली, यानी अपने पास रखा हुआ है, या फिर अक्वायर किया है यानी प्राप्त किया है गलत तरीके से या रॉन्गफुली तरीके से। और किसी पर्सन को हम कहेंगे कि उसने लूज कर दिया रॉन्गफुली, कब? जब उस पर्सन को गलत तरीके से उस प्रॉपर्टी से बाहर रखा गया है, या फिर जब उस पर्सन को रॉन्गफुली उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव कर दिया है। पीटी में ही ज्यादातर इनकी डेफिनेशन क्लॉज से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। मेंस में कभी आज तक आया नहीं है किसी भी क्वेश्चन पेपर में, लेकिन जो कंसेप्ट है आगे का थेफ्ट का वो इसी से स्ट्रॉन्ग अप होता है। और जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे आगे, ये सब आपको चीज क्लियर होती जाएगी कि रॉन्गफुल लॉस क्या होता है, रॉन्गफुल गेन कब हो रहा है, कब हम कहेंगे गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली, ठीक है। बस मैं आपको एक यहाँ पर शॉर्टकट बता देता हूँ कि जब पीटी में जब क्वेश्चन आते हैं तो एक तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि जो लीगली एंटाइटल वर्ड यूज कर रखा है और यहाँ पर नॉट लीगली एंटाइटल, ठीक है, रॉन्गफुल गेन में और रॉन्गफुल लॉस में ये डिफरेंस है। और दूसरा, गेनिंग रॉन्गफुली को मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में बना रखा है अपनी ओन लैंग्वेज में AR, और लूजिंग रॉन्गफुली को मैंने बना रखा है KD, यानी A का मतलब यहां पर हो गया एक्वायर, और R का मतलब यहां पे हो गया रिटेन, और K का मतलब हो गया केप्ट आउट ऑफ प्रॉपर्टी, और D का मतलब हो गया डेप्राइव ऑफ प्रॉपर्टी। ये कुछ चीजें हैं जब आपके माइंड में एकदम से स्टक कर जाता है जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने होता है AR और KD, इसलिए मैंने इसका शॉर्टकट बना रखा है। ओके, तो ये था हमारा सेक्शन 23। अब हम आगे समझेंगे। अब हम सेक्शंस की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। टोटल 5 एक्सप्लेनेशन है सेक्शन की, ठीक है, और पीटी में इसको पूछ भी लेते हैं कि टोटल कितनी एक्सप्लेनेशन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हम उन सबको यहाँ डिस्कस करेंगे। अब एक्सप्लेनेशन 1 डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 कहती है, कोई भी चीज जब तक वो अर्थ से अटैच है वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, और चूंकि वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो वो थेफ्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो थेफ्ट होता है वो हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ही होता है। लेकिन जैसे ही कोई भी चीज अगर उस अर्थ से सीवियर कर दी गई यानी अलग कर दी गई तो वो सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट बन जाएगी, यानी अब उसको लेकर आप चोरी कर सकते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि अर्थ से अटैच है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, ऑफिस हो गया, कोई बिल्डिंग हो गया, या मेरा घर हो गया, ठीक, हैंडपंप हो गया। तो ये सारी चीजें ऐसी है जो कि अर्थ से अटैच है। ओके, और जैसे ही मान लो कोई पेड़ है अर्थ से अटैच है, अब इसको मैंने सीवियर किया यानी पेड़ को काटा, हालांकि हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैंने पेड़ को काटा तो ये अब सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट बन जाएगा। इसी तरह ऑफिस हो गई, बिल्डिंग हो गई, ठीक है, या हैंडपंप हो गया। हैंडपंप जब तक लग रहा है अर्थ से अटैच है, जैसे ही आपने हैंडपंप को अर्थ से डिटैच किया यानी अलग किया, अब वो प्रॉपर्टी हो गई मूवेबल प्रॉपर्टी, और उसको लेकर आप चोरी कर सकते हो। इस एक्सप्लेनेशन की जो इलस्ट्रेशन है वो ए में दे रखी है। जेड का एक ग्राउंड है, ठीक है, और वहां पर पेड़ पौधे हो रहे हैं। अब ए जाता है वहां पर और उसने उस पेड़ को काट दिया, किस इंटेंशन के साथ? आगे नंबर डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ कि मैं अब इस पेड़ को जेड की पोजिशन से बिना जेड के कंसेंट के लेकर जाऊंगा। तो जैसे ही ए ने उस पेड़ को अलग किया, ठीक है, लेकर जाने के लिए उसने थेफ्ट कंप्लीट कर दिया या उसने थेफ्ट कमिट कर दिया। ओके, अब देखो इस इलस्ट्रेशन को ध्यान से देखो और इसमें देखो कि सारे एलिमेंट्स पूरे हो रहे हैं या नहीं। सेक्शन 378 के एक एक करके डिस्कस करते हैं। डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, हाँ जी है, स्टार्टिंग में इन्होंने बोल दिया कि डिसऑनेस्टली। इसके बाद प्रॉपर्टी मूवेबल है, हाँ प्रॉपर्टी मूवेबल है, क्योंकि जैसे ही उसको अर्थ से डिटैच किया गया वो प्रॉपर्टी अपने आप में मूवेबल बन गई। आउट ऑफ द पोजीशन है, हाँ जी आउट ऑफ द पोजीशन भी है, आउट ऑफ जेड पोजीशन है,
विदाउट कंसेंट है, हाँ विदाउट कंसेंट भी है, विदाउट जेड कंसेंट आ गया है यहाँ पर। मूव्स दैट प्रॉपर्टी, उसने प्रॉपर्टी को मूव किया, हाँ प्रॉपर्टी को मूव किया, कैसे किया, जैसे ही उसने सीवियर कर दिया यानी अलग कर दिया, प्रॉपर्टी जो है मूव हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से सारे के सारे एलिमेंट्स आपके पूरे हो गए और ये सेक्शन 378 के अंदर ऑफेंस क्रिएट हो जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन टू क्या कहता है, ए मूविंग इफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच अफेक्ट द सिविलियंस मे बी अ थेफ्ट। ओके, अब हम एक्सप्लेनेशन थ्री देखेंगे। एक्सप्लेनेशन थ्री कहता है कि कब हम किसी पर्सन को कहेंगे कि इसने किसी थिंग को मूव कर दिया। तो ये बताता है कि ए पर्सन इज सेट टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल, यानी किसी हिंड्रेंस को, किसी बाधा को अगर उसने हटा दिया, जो बाधा या जो हिंड्रेंस उसको रोक रही थी मूव करने से, या फिर उस बाधा को उसने सेपरेट कर दिया किसी चीज से और साथ साथ में उसको मूव कर। जैसे कि सपोज करके चलिए कि मेरी कार खड़ी है, ठीक है, अब जो मेरी यहाँ कार खड़ी है वो आप जानते होंगे सोसाइटीज में क्या होता है कि कारों को आप चैन से बांध देते हैं, कई कई जगहों पर ऐसा होता है। ठीक है, अब ये चैन से बंधी हुई है, अब ये जो चैन है ये अपने आप में ऑब्स्टेकल का रोल प्ले कर रही है क्योंकि ये कार को मूव नहीं करने दे रही। ठीक, अब मैंने क्या किया, इस ऑब्स्टेकल को रिमूव कर दिया यानी इस ऑब्स्टेकल को हटा दिया। ठीक है, यहां से मैं एक छेनी हथौड़ा लेकर आया और मैंने इस चैन को काट दिया क्योंकि यही चैन जो थी गाड़ी को मूव करने से रोक रही थी, या फिर मैंने इस चैन को सेपरेट कर दिया, एक ही बात है। अब सेपरेट करने के बाद या रिमूव करने के बाद मैंने इस गाड़ी को हल्का हल्का मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो ये चीज एक्सप्लेनेशन थ्री कहना चाहता है। गॉट इट। अब एक्सप्लेनेशन फोर देखेंगे। कोई भी पर्सन जो किसी एनिमल को किसी भी तरीके से मूव करा देता है, क्या कहेंगे हम उसको, कि उसने एनिमल को मूव करा दिया। और जो उस एनिमल के मूव होने के साथ साथ जो भी सारी चीजें मूव हो रही हैं वो भी एक्सप्लेनेशन फोर में कवर हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए ने क्या किया, ए ने अपनी पॉकेट में कुछ बिस्कुट वगैरह डाल लिए और इससे जेट का जो कुत्ता था उसने ए को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर ए की जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है कि वो उस कुत्ते को जेड की पोजीशन से ले जाए बिना जेड की कंसेंट से, तो ए ने यहां पर थेफ्ट कमिट कर दिया जैसे ही जेड ने उस ए को फॉलो करना या उस ए का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन फोर में एनिमल टू मूव को लेकर बताया। अब यहां पर हम जानेंगे कि एंड टू मूव एवरीथिंग, कि यहां पर सारी चीजें क्या है भाई, कुत्ते के साथ क्या क्या मूव हो सकता है। देखो अगर आपको पता हो या आपने अगर देखा हो तो अगर किसी का पालतू कुत्ता होगा तो उसके साथ उसके जो गले में पट्टा होता है वो भी होगा। ठीक है, और काफी ज्यादा कुत्ते तो आजकल कपड़े भी पहनने लग गए हैं, उनके कपड़े भी हो गए। ठीक, और जो उसकी चैन होगी जो उस कुत्ते के साथ होगी पट्टे के साथ वो भी हो गई। तो ये जो सारी चीजें हैं जब उस कुत्ते के साथ मूव करेंगी तो ये भी एक्सप्लेनेशन फोर में कवर हो जाएंगी और इन्हीं चीजों की एक्सप्लेनेशन फोर बात कर रहा है। गॉट इट। अब एक्सप्लेनेशन फाइव को देखेंगे। एक्सप्लेनेशन फाइव कहता है कि जो कंसेंट मेंशन कर रखी है, कहते हैं ना कि विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, जो ये कंसेंट है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, और जो पर्सन जो मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन में है वो उसके द्वारा भी दी जा सकती है या फिर किसी ऐसे पर्सन के द्वारा जिसको हमने अथॉरिटी दे रखी है, या तो एक्सप्रेस अथॉरिटी दे रखी है, इम्प्लाइड अथॉरिटी दे रखी है कंसेंट देने के लिए। ओके, इस एक्सप्लेनेशन को हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो अभी के लिए हमने बस इसको रीड कर दिया है। अब थेफ्ट की टोटल चार पांच इंग्रेडिएंट्स हैं, अब इसको हम बहुत डिटेल वे में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन क्या होता है, आउट ऑफ द पोजिशन क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे पहले बात करते हैं हम डिसऑनेस्ट इंटेंशन की। देखो वैसे तो अभी हमने पढ़ के आए हैं कि डिसऑनेस्टली क्या होता है। डिसऑनेस्टली का मतलब होता है या तो एक पर्सन को रॉन्गफुल लॉस या दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल गेन, और रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन में भी अच्छे से हमने पढ़ा था। अब डिसऑनेस्ट इंटेंशन, देखो जो प्रॉपर्टी का जो टेकिंग है, जो लेके जाना है, वो अपने आप में थेफ्ट नहीं बोला जाएगा जब तक की जो इंटेंशन है ना, जो लेके जाने की इंटेंशन है वो कैसी ना हो, डिसऑनेस्ट ना हो। ओके, क्योंकि जो ये मेंस रिया है वही तो डिसऑनेस्ट है। अगर मेंस रिया ही नहीं होगा, यानी अगर डिसऑनेस्ट ही नहीं होगा, तो ऑनेस्ट इंटेंशन कभी भी अपने आप में
थेफ्ट का ऑफेंस क्रिएट नहीं करेगी। थेफ्ट करे अगर आपकी ऑनेस्ट इंटेंशन है, आपकी गुड फेथ है, कभी भी आपकी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। तो सबसे पहले इसलिए इंटेंशन का डिसऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी है वो इस इंटेंशन के साथ ली गई हो, या तो किसी पर्सन को रॉन्गफुल गेन हो जाए या फिर किसी दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस हो जाए, ठीक है, और नॉट एंड। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर और आएगा ना कि एंड। ईदर ऑफ देम विल बी सफिशियंट, यानी इन दोनों में से एक चीज ही सफिशियंट है, दोनों का एक साथ होना जरूरी नहीं है। या तो एक पर्सन को रॉन्गफुल लॉस हो या किसी दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल गेन हो। अब जो इंटेंशन है इसको हम क्या कहते हैं, लॉ के टर्म्स में हम इस इंटेंशन को एनिमस फ्रेंडी कहते हैं। ओके, अब ये बहुत जरूरी है कि जो मेंसरिया है यानी जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है वो एग्जिस्ट करे जब हम ऑफेंस को कर रहे हैं, या जब आप उस एक्ट को कर रहे हो, या इसका मतलब जब आप इस प्रॉपर्टी को लेके जाने के इंटेंशन से मूव कर रहे हो, तब जो है आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन कहता है। अब इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर थेफ्ट होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर एक चोरी मानी जाएगी, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 22 ऑफ आईपीसी में डिफाइन कर रखी है, जो कहता है कि द वर्ड्स मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड सभी तरह की कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, किन किन को छोड़ के, एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स, जो कि किससे अटैच है, अटैच टू अर्थ, ठीक है, और जो कि परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ। परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हैंडपम्प हो गया, ठीक है, और जैसे एक आपने एक छोटा सा नन्ना सा एक पौधा उगाया तो वो परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग हो जाएगा, वो बाद में बड़ा भी होने लग जाएगा, ठीक। तो ये इन्होंने बताया मूवेबल प्रॉपर्टी। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, सभी तरह की सभी डिस्क्रिप्शन की कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी लैंड्स और थिंग्स को छोड़ के जो अर्थ से अटैच है, या कि परमानेंटली फेस्टन टू एनीथिंग है, और फेस्टन टू एनीथिंग जो कि अर्थ से अटैच है, राइट। तो ये सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। अब एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सप्लेनेशन 1 और 2 यही कंक्लूड करता है कि जो चीजें है ना जो लैंड से अटैच है वो मूवेबल बन जाती है जब वो अर्थ से सीवर हो जाती है। जैसे हमने एग्जाम्पल किया था, जो पेड़ था, जैसे ही आप उसको अलग कर दोगे, काट दोगे यहां से, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट बन जाएगा, यानी एक मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी।